गैंगस्टर विकास दुबे कांड में अब जय बाजपेयी की पत्नी श्वेता बाजपेयी सामने आई है। श्वेता बाजपेयी ने कहा कि मेरे पति को जबरन फंसाया जा रहा है, जबकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। श्वेता ने यह भी कहा कि इस मामले में हमारे परिवार को घसीटा जा रहा है, जबकि मेरे पति का इन सभी मामलों से कोई लेना देना है ही नहीं। श्वेता ने कहा कि सभी सीसीटीवी चेक करने के बाद भी पुलिस ने मेरे पति को आरोपी बनाया। आपको बता दें कि बिकरू कांड की जांच कर रही एसआईटी ने दहशतगर्द विकास दुबे की खजांची जय बाजपेयी और उससे जुड़े 10 लोगों की संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। इस बाबत जिला प्रशासन से पूछा गया है कि जय बाजपेयी की संपत्तियां कहां कहां पर हैं और उनकी कितनी कीमत है, संपत्तियां अवैध तौर से कब्जाई गई या किसी और तरीके से खरीदी गई, समेत ऐसी दूसरी जानकारियां भी एसआईटी ने मांगी है। आपको बता दें कि विकास दुबे को मदद पहुंचाने के आरोप में एसटीएफ के हत्थे चढ़े अरबपति जय बाजपेयी की संपत्तियों की जांच आयकर विभाग की बेनामी विंग ने भी शुरू कर दी है, जो जय बाजपेयी की घोषित और अघोषित संपत्तियों की पड़ताल करेगी। बिकरू कांड के ठीक एक दिन बाद जय को काकादेव पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। विभागीय सूत्र बताते हैं कि पुलिस की अब तक की जांच में जय बाजपेयी की अकूत संपत्तियों का जिक्र सामने आया है। बता दें कि ब्रह्मनगर का रहने वाला जय बाजपेयी करीब 7 साल पहले एक प्रिंटिंग प्रेस में महज कुछ हजार रुपए की नौकरी करता था और देखते ही देखते वो अरबपति बन गया। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।